नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। मशहूर गीतकार गोपाल दास नीरज ने राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए एक गीत लिखा था, ए भाई जरा देख के चलो। आज राजनीति को उस गीत को याद करने की जरूरत है। दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को धूल में मिला दिया। आरोप लगने लगे कि यह जनता को मुफ्तखोरी की लत लगाने का इनाम है। इन आरोप को केंद्र और दूसरे राज्यों की योजनाओं से आइए मिलाते हैं। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की इस जीत ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए। सब कुछ झोंक देने के बाद भी चेहरा छिपाने की जगह न बची तो कहने लगी कि ये तो मुफ्तखोरी की जीत है, लोभ लालच और लालसा की जीत है जो केजरीवाल ने जगाई थी। 100% केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो ये पूरी जनता के लिए मुख्यमंत्री का ये गर्व की बात है। हमारी जनता 100% राइट डिसीजन है दिल्ली की जनता का। नेगेटिव पॉलिटिक्स में पॉजिटिव पॉलिटिक्स की विनिंग हुई है। दिल्ली जनता ने काम करने का मौका दिया है। हम बधाई देते हैं अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने काम की राजनीति को बढ़ावा दिया। हम राजनीति बदलने के लिए आए थे, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की राजनीति है। बीजेपी चुनाव से पहले ही माहौल बनाने में जुट गई थी कि अगर हार गए तो कहना है हमने जनता को मुफ्त का वादा नहीं किया इसलिए हार गए, और इसके लिए पार्टी ने नितिन गडकरी को आगे किया था। कि दिल्ली की तस्वीर को, दिल्ली की तकदीर को कोई चैन चीजें फुकट में बांटकर कोई दिल्ली का भविष्य नहीं बनाया जाएगा। दिल्ली का कॉन्क्रीट भविष्य बनाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगेगा, और वो सोच, वो विजन भारतीय जनता पार्टी ने बताई है। अब जब चुनाव हार गए तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे फैलाया जाने लगा कि ये तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के कारण केजरीवाल जीत गए, 666 लीटर पानी मुफ्त देने के कारण केजरीवाल जीत गए, मुफ्त में बच्चों को शानदार स्कूल देने के कारण केजरीवाल जीत गए, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने के कारण केजरीवाल जीत गए, दलितों पिछड़ों को छात्रवृत्ति देने के कारण केजरीवाल जीत गए, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा कराने के कारण केजरीवाल जीत गए। अब सच क्या है? मुफ्त की अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की बारीक सीमा रेखा पर जो सियासत गढ़ी जा रही है उसे साफ नजरिए से देखे और समझे जाने की जरूरत है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मैनिफेस्टो को आमने सामने रखते हैं। इधर है 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 666 लीटर मुफ्त पानी, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, सरकारी स्कूल में मुफ्त पढ़ाई और छात्रवृत्ति। अब इसके मुकाबले देखते जाइए और हिसाब लगाते जाइए। यह है बीजेपी का संकल्प पत्र। पहली ही लाइन है, पानी बिजली तो जो मुफ्त मिल रही है मिलती ही रहेगी, साथ में 2 रुपए किलो आटा मिलेगा। अब 2 रुपए किलो आटा को बीजेपी वाले मुफ्त या खैरात नहीं मानते। दूसरी लाइन है, गरीब स्कूली लड़कियों को साइकिल, 3,000 रुपए की साइकिल को भी बीजेपी मुफ्त नहीं मानती। हद तो तीसरी लाइन है, कॉलेज जाने वाली गरीब कन्याओं को स्कूटी, मतलब 5 पैसे का पीने का पानी तो मुफ्त हो गया लेकिन 50,000 रुपए की स्कूटी आसमान से टपकेगी। और सुनिए, विधवाओं की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। चलिए पानी बिजली पढ़ाई दवाई तो तब भी सेवाएं हैं, लेकिन बीजेपी की सरकारों ने तो नकद योजनाओं की लाइन लगा रखी है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है केंद्र की किसान सम्मान योजना। जरा गौर कीजिए, केंद्र ने 54,370 करोड़ रुपए किसानों में बांटे हैं एक साल में। 8 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिया है बिना किसी काम के। यही नहीं, केंद्र ने 5,41,22,556 कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए हैं। एक सिलेंडर का मतलब 1,600 रुपए प्रति परिवार मुफ्त। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटी होने पर 15,000 रुपए मुफ्त की योजना चलाई है। 12,000 करोड़ रुपए की योजना है ये, वो भी बिल्कुल मुफ्त। योगी आदित्यनाथ ने ही 3 तलाक की पीड़िताओं के लिए एक अलग से योजना दी है, 6,000 रुपए सालाना नकद और सारा इलाज मुफ्त में। गुजरात में बेटियों के 18 साल के होने पर 1,00,000 रुपए नकद दिए जाते हैं, 133 करोड़ रुपए की सालाना योजना बिल्कुल मुफ्त। गुजरात सरकार मजदूरों को 10 रुपए में भोजन की थाली देती है और हर थाली पर 19 रुपए की सब्सिडी बिल्कुल मुफ्त। और बीजेपी वाले गौतम गंभीर कहते हैं कि टैक्स की कमाई मुफ्तखोरी में उड़ाते हैं तो चुभता बहुत है। देखिए, मैं आज भी मानता हूँ कि हम दिल्ली को सक्षम बनाना चाहते हैं, लाचार नहीं।
और इसका मतलब अगर जनता समझ सके, क्योंकि सक्षम बनाना बहुत जरूरी है, वो अरविंद केजरीवाल जी की स्ट्रैटेजी थी, जनता उसके साथ जुड़ी है। जैसे हमारे अगर आप हमारा विजन डॉक्यूमेंट या हमारा मैनिफेस्टो देखो, हमने ये बोला, जरूर बोला था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने जो फ्री चीजें दी हैं हम उनको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके अलावा हमने एक भी तरीके की वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं करी। आम आदमी पार्टी मुफ्तखोरी के इल्जाम पर बिगड़ जाती है, कहती है कि जनता से लिया हुआ रुपया जनता की जिंदगी आसान करने में लगाने को मुफ्तखोरी कहना जनता का अपमान है। मुझे लगता है कि यही सही मॉडल है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि 100 यूनिट बिजली वो भी फ्री देंगे। आज मुझे खुशी इस बात की कि झारखंड की सरकार कह रही है कि हम दिल्ली का एजुकेशन मॉडल एडॉप्ट करेंगे। इस बात की प्रसन्नता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार ये कहती है कि भाई हम मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल अपनाएंगे। दक्षिण भारत में तो मुफ्त मिक्सी से लेकर टीवी और सोने की चेन तक बांटी गई है। बीजेपी इस सवाल पर चुप हो जाती है कि अगर उसे मुफ्त से इतनी ही चिढ़ है तो उसे जारी रखने का वादा क्यों किया, और अगर उसका इसमें भरोसा है तो यूपी वालों को, हरियाणा वालों को, उत्तराखंड हिमाचल वालों को बिजली पानी सस्ती क्यों नहीं देती। आज तक ब्यूरो, देखना तो पड़ेगा अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को और उन उम्मीदवारों को उतारने वाले दलों को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अब हर पार्टी को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के 3 दिन के अंदर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का पूरा पूरा ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। इस फैसले के बीच ये देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प है दोस्तों कि हमारे देश में कितने सांसद, विधायक और मंत्री दाखी हैं। देश के गद्दारों को, दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। कितना खराब लगता है कि जो देश चलाने की बात करते हैं उनकी सोच, उनकी भाषा और उनकी भावनाएं इतनी भड़काऊ, इतनी गंदी, इतनी ओछी, इतनी जहरीली। लेकिन अब आपको पता रहेगा कि आपकी नुमाइंदगी करने चले माननीय कहीं पुलिस के रोज नामचे में गुंडे, मवाली, हत्यारे, बलात्कारी तो नहीं है। 72 घंटे के अंदर यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दागी को टिकट देती है एमएलए और एमपी का, उसको इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा एफिडेविट पे कि क्या कारण है कि वो दागी को टिकट दे रही है, किसी एक गैर दागी आदमी को टिकट नहीं दे रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है ये पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्डर है इसके कंप्लायंस कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव सुधार की दिशा में एक बहुत अहम कदम हो सकता है। राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि बतानी पड़ेगी, सूची जारी करने के 72 घंटे के भीतर सारा कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि मुकदमा कहां तक पहुंचा है और चार्जशीट कहां है। पार्टी की वेबसाइट और फेसबुक, ट्विटर के अलावा अखबारों में भी विज्ञापन देकर ये बताना पड़ेगा। पार्टी को ये भी बताना पड़ेगा कि कोई दूसरा उम्मीदवार था या नहीं, और ये भी कि अगर दूसरा उम्मीदवार था तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को ही क्यों चुना। ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और आज तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये पहली बार हो रहा है कि जो राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट देंगी और उसका विस्तृत ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में पब्लिश नहीं करेंगी उसको सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा। सवाल है कि क्या केवल आरोपों की सूची सामने रख देने से सुधार हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने तो 5.5 साल पहले कहा था ऐसे मामलों में फैसला होना चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि अभी जितने हमारे सदस्य हैं उसमें अगर किसी का भी कोई एफआईआर लॉन्च हुआ है जुडिशियल मैकेनिज्म के द्वारा उसको एक्सपीडाइट किया जाए और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो गुनहगार हो वो जेल चला जाए, जो निर्दोष हैं वो बेदाग होकर के दुनिया के सामने खड़ा हो। अभी हम पहले कदम की ओर बढ़े हैं और वो कदम भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है, अदालत को इसकी पहल करनी पड़ी है। लेकिन इससे होगा क्या, जरा कुछ आंकड़ों पर गौर किया जाए। सबसे पहले दिल्ली के उम्मीदवारों पर नजर डालिए। आम आदमी पार्टी के 70 में से 42 उम्मीदवार दागी थे, बीजेपी के 70 में से 26 उम्मीदवार दागी, कांग्रेस के 66 में से 18 उम्मीदवार दागी। और देखिए गंभीर मामले कितने पर हैं,
आम आदमी पार्टी के 26 उम्मीदवारों पर, बीजेपी के 17 उम्मीदवारों पर और कांग्रेस के 13 उम्मीदवारों पर। अब जरा देश की संसद की हालत समझ लीजिए, जो कहती है कि हम तो भारत को अपराध मुक्त बनाने के सपने देखते हैं। लोकसभा में बीजेपी के चुनकर आए 301 सांसदों में से 116 दागी हैं, कांग्रेस के 51 में से 29, डीएमके के 23 में से 10 और टीएमसी के 22 में से 9। मोदी सरकार के 22 मंत्रियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और 16 केंद्रीय मंत्रियों पर तो अपराध की गंभीर धाराएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी आपराधिक चरित्र वाले माननीयों की भरमार है। बीजेपी के 312 में से 114 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। इन 114 में से 83 विधायकों पर तो गंभीर आपराधिक मामले हैं। समाजवादी पार्टी के 46 में से 14 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं और बीएसपी के 19 में से 4 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले। बाबा साहब ने तो सोचा था कि देश की संसद में विधानसभा में शुचिता और सदाचार की गंगा बहाने वाले दिग्दर्शी चुनकर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ तो एफआईआर, चार्जशीट, हत्या, मारपीट, दंगा फसाद और बलात्कार जैसे आरोपों से विभूषित माननीयों ने ऐसी लाइन लगाई है कि देश के लोकतंत्र की कोतवालियां सकते में हैं कि इनको चुनकर हमने विधायक, सांसद, मंत्री बनाया था। आज तक ब्यूरो। बड़े नेता हमेशा देख कर चलते हैं और देख कर ही बोलते हैं, लेकिन ये परंपरा रोज कमजोर पड़ रही है। कांग्रेस के पीएल पुनिया ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे से कर डाली। इसके पहले राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चुनाव में तो बीजेपी नेताओं ने जो बोला वो आपसे छिपा नहीं है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। दिस डिविजिव पॉलिसी इज नथिंग बट एक्सेप्ट इंडिजिनस थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। ये सब बातें तो अब पुरानी हो गई। दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय जमानत जब्त पार्टी बन चुकी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के लिए पाताल की नई गहराई खोजी और उस गहराई की खोज में वो इतनी धस गई कि याद ही नहीं रहा यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। जब दूसरी बार 2019 में आए थे तो संविधान के ऊपर मत्था टेका था, 2014 में पार्लियामेंट का सर नमा के वो अंदर गए थे, माथा टेक के अंदर गए थे और उसके बाद पार्लियामेंट को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जितना पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसको बाईपास करके कानून पास कराए जा रहे, आज तक कभी भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और मत्था टेक टेक के तो नाथूराम गोडसे ने भी सबसे पहले गांधी जी के पहले पैर छुए थे और उसके बाद गोली मारी थी, तो इनकी पुरानी परंपरा है। पातालगामी पीएल पुनिया प्रधानमंत्री पर निशाना साधने में ऐसे लड़खड़ाए कि संभाले नहीं संभले। आस्था और श्रद्धा से होते हुए वो जब गोडसे तक पहुंचे तो गणतंत्र में लोकाचार की गरिमा को धूल में मिला चुके थे और इस पर कोई अफसोस तक नहीं। प्रधानमंत्री जी और ये सरकार जो भारतीय संविधान को हमला कर रही है और इसकी उपेक्षा कर रही है, उनको इससे कोई लगाव नहीं है और आज मत्था टेकते हैं। हमने कहा मत्था टेक टेक के तो नाथूराम गोडसे ने भी पहले महात्मा गांधी जी के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पैर छुए थे, फिर गोली मारी थी। दरअसल पीएल पुनिया राहुल गांधी के नक्शे कदम पर है। याद कीजिए 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने भी कहा था कि मोदी और नाथूराम गोडसे की विचारधारा एक है और इससे देश को खतरा है। नाथूराम गोडसे, नरेंद्र मोदी, they believe in the same ideology. There is no difference. Except नरेंद्र मोदी does not have the guts to say he believes in नाथूराम गोडसे। दरअसल प्रधानमंत्री पर हमला बोलने में कांग्रेस के नेता पिछले कुछ दिनों से लगातार आचरण की मर्यादा की धज्जियां उड़ाते नजर आए और इसमें खुद राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। और अब पुनिया ने पीएम मोदी की गोडसे से तुलना की है। बीजेपी फंस गई है कि वो इसका क्या करे, क्योंकि उसी के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के लिए बापू का हत्यारा गोडसे आराध्य है, पूजनीय है, अनुकरणीय है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे।
अब बीजेपी बिगड़ गई है कि कांग्रेस के नेता ने पीएम मोदी को गोडसे के साथ कैसे रख दिया। गंदी नाली का कीड़ा, नीच, चाय वाला, चौकीदार चोर है, और अब गोडसे के साथ जबरदस्ती उनको जोड़ने का प्रयास। इन हर बार इन्होंने ऐसा किया, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी को। राजनीति में गिरने की सीमाएं रोज टूट रही हैं, मर्यादाएं रोज स्खलित हो रही हैं, और विचारधाराओं के विरोध में आदर रोज कम हो रहा है। संक्रमण के इस दौर में जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता समाज भी शामिल होता जा रहा है। आज तक गौरव वकील तो दोस्तों पूरे देश को इंसाफ की राह दिखाते हैं, लेकिन लखनऊ की एक कचहरी में आज वकील खुद राह भटकते हुए दिखाई दिए। वकीलों के दो गुटों के बीच का विवाद कब बारूद के धुएं से ढक गया ये पता ही नहीं चला। बमबाजी हो रही थी, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, और जब तक पुलिस पहुंचती तब तक कई सारे वकील जमीन पर घायल पड़े हुए थे। लखनऊ की वजीरगंज कचहरी में सारे जज बैठे रह गए और वकीलों ने इंसाफ का काम अपने हाथ में ले लिया था। काले कोट वालों के अहाते से काला धुआं उठ रहा था, दंड संहिता की तरह बम संहिता का अध्याय लिखा जा रहा था। किसी बाहरी गुंडे गिरोह या गैंग ने हमला नहीं किया था कचहरी में, ये तो वकीलों के दो गुटों की आपसी मोहब्बत से उठा हुआ धुआं है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, वैलेंटाइंस डे का माहौल है, इश्क की चिंगारी भड़की तो जमाने का मुंह खुला का खुला रहे। हम इस वक्त लखनऊ में कोर्ट में ठीक उसी जगह पर हैं जहां आपसे कुछ देर पहले ब्लास्ट हुआ, जिसमें बताया जाता है कि वकील जो हैं उनके ऊपर हमला किया गया, और उसके बाद पूरे कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कोर्ट जैसी सुरक्षित जगह में किस तरह से कोई बम लेकर के आया और उसकी पहचान नहीं हो पाई। यहां तमाम वो वकील लोग हैं जो इस घटना को लेकर के नाराज भी हैं, उनके अंदर चिंता भी है कि आखिरकार ऐसी घटना क्यों हुई। वकीलों की इस आपसी मोहब्बत में धमाके हो रहे थे, खून खराबा हो रहा था, चिंगारी उठ रही थी, लात गुस्से मुक्के थप्पड़ सबका भरपूर बंदोबस्त था, और इस बंदोबस्ती में कई वकील अस्पताल पहुंच गए। सुबह जैसे ही कोर्ट खुला सारे लोग अपने काम में व्यस्त थे, अचानक से इस पीछे की तरफ से 7-8 लोग आए और यहीं पे आपस में बात करने लगे, यहाँ पे संजीव लोधी से विवाद करने लगे। वहाँ फिर एक आदमी आगे जाके बढ़ा और वहाँ से उसने बम फेंक दिया और बम फेंकते हुए बाहर भाग गया। कोर्ट परिसर में हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि वकीलों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है, बहस हो रही है, और उसी वक्त धमाका हो जाता है, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। हमलावर अपने साथ कई बम लेकर आए थे। पुलिस के मुताबिक जहां पहला बम धमाका हुआ वहीं तो और बम पड़े हुए मिले, मतलब तैयारी पूरी तबाही की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जब्त करके बम को डिफ्यूज कर दिया। धमाके के बाद डॉग स्क्वाड और बीजीडीएस की टीम कचहरी पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा। श्री संजीव कुमार रोधी एडवोकेट हैं, इन्होंने एक नेम्ड तहरीर दी है जिसमें इन्होंने 3-4 लोगों को नामजद किया है कि इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है और इनके पास असलहे भी थे। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हो गया। वकीलों को पता था कि ऐसा कोई फैसला आ सकता है क्योंकि विवाद कई दिनों से चल रहा था और धमकियों का दौर भी जारी था, लेकिन वकीलों को बस इतना पता नहीं था कि इंसाफ की तारीख क्या होगी, और वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दिए गए। इन धमाकों से साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लखनऊ की कचहरी में हमले से पहले आपको याद हो तो 17 दिसंबर को बिजनौर में सुनवाई के बीच हत्यारों ने जज के सामने ही गोली चला दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे डीजीपी को तलब कर लिया था, लेकिन बावजूद इसके अदालतें तक सुरक्षित नहीं हुई, और अब तो खाकी वर्दी की काहली में काली वर्दी की करतूतें भी शामिल हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। क्या निर्भया केस में इंसाफ की उम्मीद कानूनी दांवपेच में उलझ कर रह जाएगी? निर्भया के चारों गुनाहगारों को अलग अलग फांसी पर लटकाए जाने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। इससे पहले निर्भया के गुनाहगार विनय शर्मा ने एक नया कानूनी दांव चला। देखिए,
उम्मीदों के सहारे कानूनी दावपेच में एक और तारीख निकल गई। निर्भया के दोषियों की फांसी का वारंट नहीं मिला। निर्भया के एक दोषी विनय शर्मा ने फांसी से बचने के लिए नया दाव फेंका था। उसके वकील एपी सिंह ने सर्वोच्च अदालत में विनय की दया याचिका खारिज होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विनय मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। लेकिन एपी सिंह की दलीलों को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिरे से खारिज किया। मेहता ने कहा कि इन सभी का जेल में रेगुलर मेडिकल चेकअप होते रहे हैं। जेल में मानसिक रोग सहित सारे विशेषज्ञ होते हैं और तय समय पर जांच होती रहती है। मेहता ने कहा कि दया याचिका के साथ दोषियों की नवीनतम मानसिक जांच रिपोर्ट भी राष्ट्रपति के सामने रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए उम्मीद है, भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर 2017 से ही चल रहा है, कभी रिव्यू के रूप में, कभी क्यूरी के रूप में, कभी मर्सी के रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर क्लियर है। विनय के वकील ने दया याचिका खारिज करने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि दया याचिका खारिज करने पर दिल्ली के एलजी और गृह मंत्री ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। विनय के वकील की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने एक अन्य दोषी मुकेश कुमार सिंह की भी दया याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। देखिए, मुझे उम्मीद है क्योंकि कल आज जो कोर्ट ने एक ऑर्डर को रिजर्व रखा है, एक एडजर्न हुआ है, जिस ऑर्डर को रिजर्व रखा है विनय शर्मा की मर्सी पिटीशन को इन्होंने रिट पिटीशन में चैलेंज किया था, तो डेफिनेटली कल उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी ग्राउंड नहीं था। उधर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों की जल्द फांसी को लेकर सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई। दरअसल यहां सुनवाई में अड़ंगा निर्भया के दोषी पवन गुप्ता ने लगाया था। एपी सिंह ने कल पवन का केस लड़ने से इनकार कर दिया था। आज पवन ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सरकारी वकील लेने से इनकार कर दिया। उसने प्राइवेट वकील लेने की बात जेल प्रशासन से कही। हालांकि बाद में कोर्ट ने रवि काजी को पवन का वकील नियुक्त कर दिया। अब सारी नजरें फिलहाल कल सर्वोच्च अदालत में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। पूनम शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।